जय हिंद मेरे बच्चों। तो आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो जिसके बारे में बहुत ही कम बच्चों को नॉलेज है। देखिए यहाँ से कंसेप्ट ऑफ मेंटिसा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3 + 0.42 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। -3 - 0.42 है तो वो भी मैं इस तरीके से एडिशन कर सकता हूँ। लेकिन क्या होगा अगर -3 + 0.42 है तो इसे मैं इस पावर के फॉर्म में लिखूंगा। 3 के ऊपर बार, पॉइंट से पहले किसी नंबर के ऊपर बार है तो वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 21.85 है तो इसका मतलब है -21 में +0.85 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 10 के ऊपर बार 0.24 है तो इसका मतलब -10 के ऊपर 0.24 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 0.24 -10 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस पर क्वेश्चंस की बात करें तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको एडिशन करो, 2 के ऊपर बार है वो भी पॉइंट से पहले, तो रिकरिंग नहीं है ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -2 + 0.475 लिख दिया, और इसे मैं क्या लिखूंगा, -3 + 0.78, ठीक है। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो प्यारे बच्चों ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1.53 हो जाएगा, 1.53। अगर मैं अल्टीमेटली इसको जोड़ूंगा तो ये -5 + 1 + 0.43 हो गया, 0.53 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं क्या आपको दूंगा, -4.53, और ये मेंटिसा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको मैं 4.53 और 4 के ऊपर बार लिख दूंगा। इसका ये मतलब हुआ कि 4 जो है वो नेगेटिव। क्लियर है ये? तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका होमवर्क है, इसे कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।